हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मेरा नाम प्रवीण सिंह राजपुरोहित है और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इससे पहले अपन ने देखा था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो इसमें आपको तीन स्टेप्स फॉलो करना है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालने के लिए किसी भी बाइनरी ट्री का। तो कौन कौन से तीन स्टेप है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्या है, पैरेंट नोड, दूसरा है लेफ्ट नोड, तीसरा है राइट नोड। ये तीन स्टेप आपको फॉलो करना है। अब आपके सामने एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल को देखेंगे और आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब एग्जांपल आपके सामने एक बाइनरी ट्री है, ठीक है, और हर नोड के आगे अगर आप देखोगे मैंने लिखा हुआ है कुछ, विजिट लेफ्ट राइट, विजिट लेफ्ट राइट, विजिट लेफ्ट राइट, ठीक है। तो अब जहां पे इसके हर नोड के तीन एक्शन है, ठीक है। अब आपके ट्रैवर्सल में भी तीन स्टेप है और हर नोड को मैंने क्या कर दिया, तीन एक्शन उसको दे दिए। तो भाई अब सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी एक्शन गिवन है आपको उसको फॉलो करना है। अब अगर पहला एक्शन आप जब फॉलो करोगे विजिट, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आउटपुट में आपको उस नोड को एज अ आउटपुट लिखना है, ठीक है। कैसे, अब देखते हैं। चलो एक बार नाउ अगर आप देखोगे F, ठीक है, अब F के लिए आपका मेन रूट नोड ही हो गया। अब इसके तीन एक्शन है, कौन कौन से, विजिट लेफ्ट राइट। तो जब विजिट मैं फॉलो करूंगा इस स्टेप को, तो विजिट को मैं कट करूंगा और इस नोड को मैं एज अ आउटपुट लिखूंगा। आया समझ में बात? तो देखो मेरा आउटपुट सबसे पहला क्या आ गया, F आ गया। आ गया समझ में? नाउ अब सेकेंड एक्शन क्या है मेरा, लेफ्ट। तो F का जो मैं लेफ्ट चाइल्ड देखूंगा, तो इसका अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है तो उस नोड पे मुझे एग्जीक्यूट करना है। नाउ मेरा लेफ्ट चाइल्ड क्या अवेलेबल है, B। अब B का मुझे वापस अगेन तीन एक्शन है। पहला एक्शन क्या है, विजिट। जैसे ही विजिट करूंगा मैं उसको कैंसिल करूंगा और इस B को मैं लिखूंगा यहां पे। अब अगर आप F का देखोगे, अपने लेफ्ट वाला स्टेप भी आपने फॉलो किया है, ठीक है। नाउ अब B का अगेन सेकंड एक्शन क्या आ गया, लेफ्ट आ गया। अब इस लेफ्ट को भी मुझे, इसका बी का मुझे लेफ्ट देखना पड़ेगा, अवेलेबल है तो चलो आगे। तो बी का अवेलेबल है ए, तो ए का मुझे क्या करना है, ये हो जाएगा लेफ्ट कैंसिल। ए का हो जाएगा मेरा पहला एक्शन क्या है, विजिट। तो इसे मैं विजिट कैंसिल करूंगा और इस ए को लिखूंगा मैं यहां पे आउटपुट में। आगे समझ में? अब इस ए का लेफ्ट चाइल्ड देखना है और राइट चाइल्ड देखना है। लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, यानी ये कैंसिल हो गया। राइट चाइल्ड अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, ये भी कैंसिल हो गया। आगे समझ में? अब आते हैं अगेन किस पे, इसके रूट नोड पे। नाउ बी इसका रूट नोड है। अब बी का दो एक्शन कंप्लीट हो गए, थर्ड एक्शन क्या है, राइट। तो इसका राइट चाइल्ड अवेलेबल है क्या, देखो यस अवेलेबल, दैट इज डी नोड। अब डी के अगेन तीन एक्शन है। अब तीन एक्शन है, पहला एक्शन क्या है, विजिट। तो विजिट ये हो गया मेरा बी का राइट कैंसिल, ये डी को करूंगा मैं विजिट कैंसिल, इस डी को लिखूंगा मैं एज अ आउटपुट। तो आ गया मेरा पहला क्या, एफ बी ए और डी। अब इस डी का लेफ्ट देखो अवेलेबल है क्या, यस अवेलेबल है, ये हो गया कैंसिल। अब इसके लेफ्ट में आ जाओ। अब अगेन मुझे सी के लिए तीन एक्शन मिले, विजिट लेफ्ट राइट। तो सी का मुझे क्या करना है, विजिट करना है और सी को लिखूंगा मैं एज अ आउटपुट। नाउ इसका लेफ्ट देखो अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, ये हो गया कैंसिल। राइट अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, ये हो गया मेरा कैंसिल। अगेन आ जाओ इसके रूट नोड पे, दैट इज डी नोड। अब डी का देखो मुझे थर्ड एक्शन क्या अवेलेबल बचा हुआ है, राइट। तो इसका राइट अवेलेबल है क्या, यस अवेलेबल है ना यहाँ पे ई। तो ये आ गया मेरा राइट कैंसिल। अब ई के अगेन तीन एक्शन है, दैट इज विजिट लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले विजिट कैंसिल और इस ई को मैं लिखूंगा एज अ आउटपुट में, जो इसका सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। अब इसका देखो लेफ्ट अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। राइट अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल है, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया मेरा कैंसिल। अगर आप देखोगे एफ के जो भी लेफ्ट वाले पार्ट है वो पूरे मेरे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो एफ का जो लेफ्ट वाला एक्शन है वो भी मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। आ गया समझ में? अब आ जाओ एफ के राइट साइड में। तो ये हो गया राइट को कैंसिल किया मैंने। अब इसका राइट अवेलेबल है चाइल्ड, तो ये आ गया जी। अब जी के अगेन मेरे तीन एक्शन है, पहला क्या है विजिट, ये हो गया विजिट कैंसिल। तो इसको लिखूंगा मैं जी को यहाँ पे, ई के बाद में जी। आ गया समझ में बात कि नहीं आई, आ गया समझ में, ठीक है। अब आ जाओ जी का, अब लेफ्ट देखो, जी का लेफ्ट अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल है, ये हो गया मेरा कैंसिल। अब आ जाओ राइट पे, राइट अवेलेबल है, यस अवेलेबल है मेरा, ये हो गया राइट कैंसिल। इसका राइट अवेलेबल क्या है मेरा, चाइल्ड आई चाइल्ड है, बराबर। अब इस आई के अगेन तीन एक्शन है, पहला विजिट लेफ्ट राइट। तो विजिट जब भी मैं कैंसिल करूंगा इस आई को मैं लिखूंगा एज अ आउटपुट। आगे बात समझ में? अब इसका देखो लेफ्ट अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, ये हो गया लेफ्ट कैंसिल। आ जाओ लेफ्ट में। अब मेरा यहाँ पे कौन सा आ गया, एच, इसके भी तीन एक्शन, पहला विजिट कैंसिल, एच आ गया मेरा यहाँ पे। आगे समझ में? अब एच के देखो लेफ्ट और राइट अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल है ना, लेफ्ट अवेलेबल है, नहीं राइट है, नहीं कैंसिल। अब आई के देखो दो एक्शन कंप्लीट, बचा क्या राइट, राइट अवेलेबल है, नहीं ओनली लेफ्ट ही है, तो ये मेरा राइट हो गया कैंसिल। तो मुझे आउटपुट क्या मिल गया, एफ बी ए डी सी ई जी आई और एच। तो ये था मेरा क्या,
प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो अगर आप कोई किसी भी बाइनरी ट्री में अगर आपको पूछा हुआ है कि इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालो, अगर आपको ये तीन स्टेप पता है, खाली पैरेंट नोड के बदले आपको क्या लिखना है, विजिट लिखना है। जैसे आप विजिट लिखोगे आपको उस नोड को एज अ आउटपुट लिखना है और आपको स्टेप्स खाली जो ये तीन एक्शन आपको ये फॉलो करना है और आपको प्री ऑर्डर सीक्वेंस मिल जाएगा। आगे बस हमें तो ये था अपना प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस जो आने वाले एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के। तो अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।